सो गाइस ना आज की स्पेशल रेसिपी है नूडल्स मतलब चाउमीन। तो चलो ट्राई करते हैं जाएगा। तो फर्स्टली अपन ओनियन कट करेंगे। तो अपना बॉईल होने के लिए अपना क्या बोलते हो उसे, वो जो अपने नूडल्स रहते हैं ना का नूडल्स, वो आप बॉईल करने के लिए रख दो। और अपन ऑनियन भी ऐसे बड़े बड़े कट में ऐड करेंगे। उस हम वेजेस ऐड करेंगे उसमें। थोड़ा सा कैरेट ले लिया, इसके भी थोड़ा सा डिज़ाइन से कट किया गया। आप कैसे भी कर सकते हो, डिज़ाइन से और अच्छा आएगा, मतलब ये भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा कैप्सिकम ले लिया, कैप्सिकम भी अपन ने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ऐसे ही काटना, मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं करना आपने वो। तो थोड़ा सा कैबेज ले लिया, कैबेज भी ऐसे अपन ने कट कर दिया बड़े बड़े पीसेस में। तो कहते ना इसका टेस्ट ही अलग है, कुछ भी बोलो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा, कुछ भी बोलो। सो अपन ने हक्का नूडल्स ले लिए थे और अब इसमें गर्म करने के लिए डाल देंगे बॉईल के लिए। मैंने तोड़ के डाल दिया, आप ऐसे भी डाल सकते हो बड़ा पतीला लेके, मेरे पास बड़ा नहीं था इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया। तो अच्छी तरीके से बॉईल होने के बाद अपन इसको थोड़ा सा सब ये करेंगे और साइड में निकाल लेंगे, वो पानी निकालेंगे उसका। सो थोड़ा सा बटर डाल दिया, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो, मेरे को बटर अच्छा लगता है, मैं बटर डाल दिया ऐसा। सो अभी अपन ने चॉप्ड ऑनियन डाल दिया इसमें बड़े बड़े पीसेस वाला। सो अभी ऐसे भूनना है, मतलब 5 या 4-5 मिनट भून लो, खाली नॉर्मली पकाओ, ज़्यादा मैं ये नहीं करना। सभी इसमें अब आएगी कैरेट्स, आएगा तुम्हारे कैरेट्स भी अपन थोड़े से पका लेंगे, मतलब 2-4 मिनट तक। सब के सब ऐसे ही पका लो, मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं करना अपने को, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई हैवी भी नहीं। सो को ये आ गया, कैप्सिकम आ गया थोड़ा सा। अभी कैप्सिकम अपन ये सब ना अपन थोड़ा सा देर तक पकाएंगे, थोड़ा पकने दो, मतलब 40% तक कुक होने दो, मतलब अच्छे तरीके से। सो अभी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक एंड एक चिली ले ली थी, वो अपन ने ऐड कर दी इसमें, इसका टेस्ट रहता है। अभी थोड़ा सा कैबेज डाल दिया, कैबेज या कैबेज आई डोंट नो। अब दोनों भी अपन सोते कर लेंगे अच्छे तरीके से सब के सब। सो अभी थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे, और स्पाइसेस थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया अपन ने क्योंकि पकना था, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अभी ये अपन और पकाएंगे 2-4 मिनट तक। सो अभी इसमें अपन नूडल्स ऐड कर देंगे, देखो ऐसे कर दो आप ऐड। मैंने थोड़े ले लिए, थोड़े रख दिए थे वैसे, इसके मसाले के हिसाब से ले लिया था, आप थोड़ा सा ऐड कर दो ज़्यादा। सो अभी ये मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस डाल दिया 2 चम्मच, और ग्रीन चिली डाल दिया और रेड चिली भी डाल दिया, सॉस डाल दिया। अभी परफेक्टली अपन ये थोड़ा सा पकाएंगे और 5 मिनट तक। ऐसे ही पकेगा ना तो अच्छा लग जाएगा, है मतलब ऐसे ही पकाओ, ज़्यादा भी ये नहीं करने का। थोड़ा सा इसमें धुआं अंदर जाएगा ना तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा भी ये चिपक के नहीं बैठेगा, ऐसा हो जाएगा। अभी रेडी है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो सबके पास शेयर कर देना। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो मेरे सभी में।